हैप्पी न्यू ईयर मेरे लगते जिगरो। लास्ट ईयर तो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला रहा, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये साल हम सबका जो है अच्छा जाए। और लास्ट ईयर जो भी जीवन में नए नए अनुभव मिले उनको संजोते हुए नेक्स्ट ईयर में नाउ वी एंटर एंड ऑलवेज वी हैव टू सी द पास्ट दैट व्हाट वी गेन एंड व्हाट वी लॉस। ओके, इंसान को अपने लाइफ में बैलेंस शीट ऑलवेज टैली करनी चाहिए एंड इट गिव द परफेक्शन ऑफ लाइफ इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। इंसान की जिंदगी में वही उसके जीवन को परफेक्शन देता है जो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता है कि क्या खोया क्या पाया। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आर सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज द स्टैटिस्टिक। ओके, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर because students who will going to take commerce near future आने वाले टाइम में तो शायद ये भी बदल जाएगा, बराबर है, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। लेकिन जो भी स्टेटिस्टिक लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, बराबर है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर माइलस्टोन साबित होगा। रीजन इज दैट बिकॉज सो मेनी डिफरेंट कंसेप्ट विच यू स्टडीड लास्ट ईयर इन सिक्स स्टैंडर्ड सेवन स्टैंडर्ड और एट स्टैंडर्ड दैट एंटायर अमालगमेशन यू विल सी इन वन चैप्टर हियर एंड फर्दर इन टेंथ स्टैंडर्ड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। सो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेटिस्टिक है क्या, इसको लेकर कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में जब आप रेगुलर आते थे तो मॉर्निंग में एक काम रूटीन बेस पे होता था, ध्यान है किसी को? अटेंडेंस, ठीक है? आप डेली मॉर्निंग में आके क्या काम करते थे? अटेंडेंस लेते थे कि भाई कौन सा स्टूडेंट आज आया है और कौन सा नहीं आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई अटेंडेंस लेना क्यों, क्या जरूरत है अटेंडेंस लेने की? नहीं लेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन। इससे कितनी सारी चीजें आपको मालूम पड़ती हैं। मान लो हम लोगों ने एक महीने की तुम्हारे क्लास में 54 स्टूडेंट्स एंड वी हैव टेकन द अटेंडेंस ऑफ वन मंथ, तो आपको क्या क्या उसमें से मिलेगा? सबसे पहले तो आपको यही मिलेगा, पहला जो मिलेगा कि मंथ में कितने दिन स्कूल का वर्किंग डेज था। वर्किंग डेज मीन्स कितने दिन स्कूल चले। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल समझते हैं कि आपका जो है जनवरी मंथ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट जनवरी मंथ है और जनवरी महीने में 31 डेज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच, चार या पांच संडे होते हैं, हम चार संडे मान के चलते हैं। तो 31 में से अगर आप चार माइनस कर दो, बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 26, 27, 27, 27, 27 हो जाएगा। 27, चार हमने माइनस कर दिया। अब मान लो दो और छुट्टी आ गई। कौन कौन सी छुट्टी आ गई? मान लो एक जो है छुट्टी जो है आपकी संक्रांति की आ गई, उत्तरायण, और उसमें तो दो छुट्टी मिलती है, नहीं दो छुट्टी वो आ गई, और एक छुट्टी आपकी जो है 26 जैन की आ गई। तो अब टोटल कितनी हो गई? 4 + 3, 7, बराबर है।
अब 31 में से अगर आप 7 लेस करते हो तो समथिंग कुछ 24 आपका बचता है। देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 24 दिन आपके जो है चले। तो पहले तो आपको यही पता चला अटेंडेंस लेके कि भाई वर्किंग नोट कितने और वर्किंग डेज कितने थे। अब 24 डेज में से तो दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने स्टूडेंट कंप्लीट 24 डेज आए। और अगर आप ये आंकड़ा देखोगे ना तो यू विल बी सरप्राइज, हार्डली क्लास के अंदर हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होते जो 24 डेज प्रेजेंट रहेंगे। बाकी हर कोई नमूना जो है एक आध दिन छुट्टी मार देता है। कुछ तो इतने महान होते हहैं वो हार्डली जो है क्या कहते हैं 7 दिन स्कूल आते हैं बाकी दिन छुट्टी लगाते हैं। तो मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट, मोस्ट इरेगुलर स्टूडेंट, बराबर है, वो जो है उससे पता चलता है। एंड एट द सेम टाइम और क्या पता चलता है, मोस्ट मेल रेगुलर स्टूडेंट, मोस्ट फीमेल रेगुलर स्टूडेंट, मोस्ट मेल इरेगुलर स्टूडेंट, मोस्ट फीमेल इरेगुलर स्टूडेंट, बराबर है। तो एक अटेंडेंस लेने से आपको कितनी सारी जानकारी हुई। तो गैदरिंग द नंबर व्हेन यू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो कलेक्शन ऑफ दैट नंबर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। पहली बात तो ये, तो स्टैटिस्टिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप जब जो है किसी पर्टिकुलर एम के लिए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि आप अटेंडेंस ही कह लो। मान लो आपके क्लास के अंदर बच्चों का आपको जो है BMI चेक करना है, यानी कितने हेल्दी हैं, बराबर है, तो आपको उनका वेट और हाइट मेजर करना पड़ेगा। आपको पता चलेगा टॉलेस्ट लड़का कितना है, उसका वजन कितना है, शॉर्टेस्ट लड़का कितना है, उसका वजन कितना है, गर्ल्स में कितना वजन है, बॉयज में कितना, एवरेज निकाल सकते हो कि क्लास का और एवरेज वजन कितना है। समझ में आएगी नहीं आया, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कितनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, एंड दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक और कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, व्हेन यू कलेक्ट दिस काइंड ऑफ डेटा, सो देयर आर टू एस्पेक्ट। वन इज दैट विच यू कलेक्ट योर ओन, आप खुद जाते हो खुद इकट्ठा करते हो, मतलब फील्ड में जाके वर्कआउट करते हो, दैट टाइप ऑफ डेटा आर कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई आपके स्कूल में कितने क्लासेस हैं, तो आप क्या करोगे, पर्सनल जाके काउंट करोगे, मेरे को बताओगे कि भाई 27, 28, 29, 30 जो भी है इतने क्लासेस हैं, ठीक है। तो आपने खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, दैट इज द प्राइमरी डेटा। मान लो क्या कहते हैं, आपको मैंने बोला VM स्कूल में कितने रूम हैं, जरा जाके काउंट करो। तो अब VM स्कूल के रूम को तो VM स्कूल के इंफॉर्मेशन को मे बी पॉसिबल आप पर्सनल जाना पसंद ना करो, तो आपके आपके फ्रेंड को किसी को जो VM स्कूल में पढ़ता है उसको बोलोगे यार जरा तेरे स्कूल का इतना इंफॉर्मेशन दे ना, तो दैट इज नॉट कलेक्टेड बाय डायरेक्टली यू, यू हैव टेकन बाय समवन एल्स, किसी और से आपने लिया, सो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, ओके। फिर जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसको टेबलाइज करते हो, उसका क्लासीफाई करते हो, उसको एनालाइज करते हो और उसको प्रिडिक्ट करते हो, बराबर है। फिर जरूरत पड़े तो उसका जो है फिर ग्राफिकल स्टडी करते हो या मैथमेटिकल स्टडी करते हो, फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये आपके पहले पार्ट में दिया हुआ है, बेसिकली इट इज नॉट इन योर सिलेबस, अभी इस साल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब बताया, ओके। अगले पार्ट में कलेक्टेड डेटा को कैसे टेबलाइज किया जाता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, बट बिफोर दैट, उससे पहले ये जो वर्ड है बच्चों स्टैटिस्टिक, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, बराबर है। अगर आप इस वर्ड को ब्रेकअप कर दो ना,
स्टैटिस्टिक, इसमें दो वर्ड आते हैं, स्टेट प्लस स्टिक। स्टेट का मतलब होता है राज्य, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। राज्य और लकड़ी दोनों का क्या रिलेशन है? रिलेशन पुराने जमाने में जब स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता था तो लोग बैम्बूज की मदद से जो है उसमें कड़ी लगा के ऐसे जमीन को मापा करते थे, राज्य को, एरिया को। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, बिकॉज बैम्बू से स्टिक से स्टेट को मेजर करना, और इस तरह से इसका नाम पड़ा स्टैटिस्टिक। गुजराती में इसे आंकड़ा शास्त्र बोलते हैं, आंकड़ा मीन्स नंबर। ओके, और आज की तारीख में सिर्फ इतने ही काम में नहीं आता है, कोई भी आज की तारीख में आपको कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी बड़ा आपको एनालिसिस करना है, तो आप ऐसे ही डेटास की मदद से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई भी चीज को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज आप कर सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है डेटा का हमारे लाइफ में है, तो ये जो है हम लोगों ने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मैंने बता दिया। प्राइमरी सेकेंडरी दो तरीके से डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अब अगले टॉपिक में, अगले लेसन जब हम लोग स्टार्ट, मतलब इसी में जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, तब मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगा कि किस तरह से जो है उन डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है, टेबलाइज किया जाता है, बराबर है। और टेबलाइजेशन के साथ में एक चीज और भी सिखा दूंगा आप लोगों को, बेसिकली वो भी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा दूंगा, हाउ टू प्रेजेंट ग्राफिकली। तो इतना हम लोग जो है अगले पार्ट में जो है करेंगे, फिर उसके बाद में फिर और भी बहुत कुछ है, लेकिन दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी। चलिए, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।